हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बनाया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बनाना चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आप यहां पे जो है वो देख सकते हैं, जो लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो हम 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे मेरा उल्टा है, कॉट इधर है कॉसेक इधर है, तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये कॉसेक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये तो माइनस था, ये प्लस में हो गया कॉसेक, और कॉट जो है ये प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला पे पूरा सेट हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, और पहले माइनस था तो माइनस लगा दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 का पहला जो है वो प्रूफ हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए प्रूफ करते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जो है वो दिख रहा होगा, इसमें अब ये जो है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे। अब एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको हम अरेंज उसी तरह जैसे यहाँ पे हम अरेंज किए, कॉसेक को पहले किए, कॉट को उधर किए, उसी तरह इधर भी सेक को हम पहले कर देते हैं और टेन को इधर कर देते हैं, माइनस कॉमन निकाल दिए। अब ये फॉर्मूला पे पूरी तरह सेट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 भी प्रूफ हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जो है वो दिख रहा होगा। चलिए एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो माइनस जो है वो प्लस में हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब नीचे में जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐसे रहेगा और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग फर्स्ट में ही पढ़े थे 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, या फिर 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे अब 1 बाई कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो इस तरह से ये जो है प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन में हम देख रहे होंगे कहीं भी स्क्वायर नहीं, और जबकि फॉर्मूला में हमको स्क्वायर चाहिए तभी जो है स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला पे सेट होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला ये जो दोनों टर्म है इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला है, ये टर्म नहीं है 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा जो है 1 से मल्टीप्लाई होके यही वाला हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरह से ये 1 माइनस साइन थीटा, अब इसमें ये वाला टर्म है, इसमें जो है 1 प्लस साइन थीटा वाला टर्म नहीं है, तो ये अब यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा जो है यहाँ पे इस तरह से लिखाएगा। अब ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो गया, एक एक कितना हो गया 2, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला में होता है वो सेट हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए 1 है बी साइन थीटा है, ठीक है, यानी कि ये जो जाएगा वो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, और साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये जो है प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 का 1 दिख रहा होगा, तो इसमें हम अब फॉर्मूला पुट करेंगे सेक थीटा का,
वन बाई कॉस थीटा टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर वाला जो टर्म है इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि जो सेक थीटा है इसको हम ऐसे उतारते हैं, और ये वन माइनस साइन थीटा जो है इसको भी हम ऐसे उतार देते हैं, और सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया वन बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा को अगर साइन कॉस के टर्म में लिखें तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये सब आपको याद करना होगा, तभी जो है ये सब क्वेश्चन सारा आपका सॉल्व बहुत बहुत इजीली सॉल्व होगा, फिर सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला पे ही सेट होंगे। अब ये सेक थीटा ऐसे रह गया, ये वन माइनस साइन थीटा ये भी ऐसे लिखें, अब पिछला क्वेश्चन में हम जिस तरह से एलसीएम लिए थे तो उसी तरह यहाँ पर भी कॉस थीटा का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो ऊपर ऐसे सिंपल लिखाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पिछला क्वेश्चन में हम सीखे हैं वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट होता है। तो ये सेक थीटा ऐसे लिख दिए, अब वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा है इसको हम ऐसे उतार दिए। अब ये सेक थीटा का फिर से वैल्यू कितना होता है वन बाई कॉस थीटा लिख दिए, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा है इसको ऐसे उतारें। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस थीटा मिलकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये कैंसिल हो, कितना हो जाएगा सिर्फ वन बचेगा, यानी कि ये हमको प्रूफ करना था वन जो है प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन का हम टू बनाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेवन का टू दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा में चेंज करेंगे, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा में चेंज करेंगे, और बाकी जो है उसको हम ऐसे उतारते हैं, और इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा में इसको हम चेंज किए, प्लस ये कॉस थीटा हो गया, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा में इस तरह से चेंज किए, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे वन लेके इन दोनों का एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ प्लस ये हो गया कॉस थीटा, और फिर से यहाँ पे अगर एलसीएम लेके इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे हो गया। अब यहाँ से यहाँ पूरा में हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लिए कॉस थीटा साइन थीटा का तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है इस टर्म में, तो साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म पूरा ऐसे रहेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो ऐसे रहेगा, और ये प्लस हो गया, यहाँ पे साइन थीटा है कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा से ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर भी ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये डबल डबल है, तो इन दोनों को हम एक ही बार लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो प्लस में है, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो बच गया उसको हम ऐसे उतार देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है वन होता है, तो इसके जगह पे वन हो गया, ये पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म को हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो साइन थीटा ऐसे हो गया, अब साइन थीटा कॉस थीटा को इसके नीचे इस तरह से लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस है ये हो गया कॉस थीटा, और फिर इसके नीचे पे फिर से इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, यहाँ कितना बचा वन बाई कॉस थीटा, और यहाँ बचा वन बाई साइन थीटा। अब वन बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है सेक थीटा, और वन बाई साइन थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक थीटा, ये यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया।